दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप कि आज इंदिरा पार्क पे मिलियन मार्च मुनक्किद किया गया। आज यहाँ पे सरों का समंदर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उपलाएँ डॉक्टर्स और तमाम जो है हैदराबाद से बल्कि दूसरे मुकाम से भी यहाँ पे लोग आ चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे हर कोई यही बोल रहा CAA और NRC के खिलाफ। जिस तरीके से केरला में असेंबली में बिल पास किया गया कि NRC और CAA यहाँ पे जो है लागू नहीं किया जाएगा, तो यहाँ की आवाम ये चाहती है कि KCR साहब भी एक असेंबली में बिल पास करें और NRC और CAA के खिलाफ यहाँ पे भी एक बिल पास करें कि तेलंगाना में CAA और NRC नहीं लागू होगा। आइए आपको दिखाते हैं हमारे कैमरामैन नैयर के साथ कि यहाँ पे कितनी पब्लिक है। तेलंगाना सरकार ये तीनों खानों को नहीं मानेगी। हम जब कहेंगे कि तुम सेकुलर है, क्योंकि अब तक 14 बिल आए, पूरे बिलों में आपने साथ दिया बीजेपी को, आपने मुस्लिम पर्सनल में साथ दिया, ट्रिपल तलाक में साथ दिया, 370 के अंदर साथ दिया, नोटबंदी में साथ दिया, GST में साथ दिया, हर वो बिल को साथ दिया। CAA में थोड़ा मदद करे, लेकिन ये छिपी छिपी सियासत नहीं चलती, ये छुप छुप का गेम नहीं है। और भी मैं बड़े मजलिस के हमारे कायदीन से भी अदब से कहता हूँ कि आसद भाई जरा निकलो यार सड़कों पे, तुम बंद कमरों में जलसे लगा रहे हो और अजला में जाकर क्यों लगे हो। आवाम पूछ रही है, यूपी की आवाम, हम 23 बच्चे शहीद हुए, उनके माँ बाप पूछ रहे हैं, उनके बच्चे पूछ रहे हैं क्या हो गया है तुम लोगों को, उनकी आवाज ललकार रही है, शहीद पुकार रहे हैं निकलो बाहर, क्या वादा कर रहे हैं हम सब लोग सड़कों पे, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।